धान की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, शौचालय टैंक बनाकर कर रहे कब्जा, पीड़िता ने उपजिलाधिकारी से की शिकायत, लगाई न्याय की गुहार। सिधौली सीतापुर में सिधौली तहसील के अंतर्गत भूमाफिया द्वारा गुंडागर्दी बल पूर्वक जमीन पर अवैध कब्जेदारी को लेकर उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई है कि पीड़िता गीता पत्नी रामशंकर सहजन पूर्वा मनवा सिधौली ने बताया कि मेरे पिता द्वारा अपने हिस्से का उपरोक्त गाटा संख्या 349 लगभग 2387 वर्ग मीटर को दान कर दिया गया था। पीड़िता की प्लॉट विपक्षी मेवालाल पुत्र स्वर्गीय जरा खान निवासी ग्राम कमलापुर पीर नगर तहसील सिधौली का प्लॉट जिस पर वर्तमान में मकान बना है दान किया गया। मेरा प्लॉट के हिस्से में जबरन शौचालय टैंक का निर्माण करा लिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर ससुराल जाकर देखा तो विपक्षी परिवार के साथ फौजदारी पर हो गए हैं, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी से सिधौली को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत, जिसके संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक को जांच के लिए आदेशित किया गया था। जांच के पश्चात आख्या सही लगाई गई। मौके पर राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पीड़िता का कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं चल रहा है। राजस्व निरीक्षक द्वारा आख्या में गाटा संख्या नहीं दर्शाया गया। पीड़िता राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए जांच से संतुष्ट नहीं है। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। विपक्षी मेवालाल द्वारा अवैध कब्जा किए गए शौचालय टैंक हटवा करके लेकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या मामला है आपका? हमारे चाचा हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं, और जब जाते हैं तो उनके बेटे उनके बच्चे और वो सब लोग हमको मारने दौड़ते हैं, गाली देते हैं, हम सबको गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, कहीं ईंटा मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं और खुद वीडियो बनाते हैं। और हमारी जमीन पे कहाँ का मामला है आपका? ये कमलापुर थाने का मामला है। कमलापुर थाना क्षेत्र अंदर तहसील कौन सी आती है? सिधौली। वहाँ तहसील प्रधान में आपने एप्लीकेशन दी क्या? आपने हमने एप्लीकेशन भी दिया, उनको डायरेक्ट भी मिले जाके, लेकिन वो तब भी नहीं सुन रहे हैं। वो बस कह रहे हैं कि जो वो कब्जा कर लिए हैं उनको 133 मुकदमा डालो तब होगा। हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, हम ही मुकदमा डाले। कह रहे हैं कहीं थाने जाओ, थाने से कह रहे हैं तहसील जाओ, तहसील कह रहे हैं थाने जाओ। हम यही 5 तारीख से दौड़ रहे बराबर। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी सिधौली से बात की, क्या बताए हैं? तो उन्होंने कहा, कह रहे जाइए आप अपना काम करिए, टैंक की तरफ नहीं करना और टैंक की तरफ कुछ होना नहीं चाहिए और नहीं तो तुम्हारे पे मुकदमा बन जाएगा। यही कौन कहता है? वो सिधौली के SDM साहब बोले, और उन्होंने कल हमसे एक लोग लक्ष्मीकांत जी वकील हैं उनके साथ में हम गए और विधायक जी ने भेजा कि इनके साथ चली जाना, ले गए तो उन्होंने SDM नहीं लिया एप्लीकेशन। कह रहे कि ठीक जाइए और हम थाने से रिपोर्ट मंगा लेंगे, 133 मुकदमा डाल के तब तुम्हारा कब्जा हटेगा, एक नियम होता है। और जबकि जो हमारे चाचा ने काम रुकवाया था वो मेरे ताऊ जी का चल रहा था मुकदमा, उस पे उन्होंने आदेश लाया था। अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। 500 बार कहीं 100 नंबर वाले आ रहे हैं, कहीं पुलिस वाले आ रहे हैं। ये टैंक नहीं चढ़ना, अगर टूट गया तो हम इसको तुम्हारे पे मुकदमा बना। 112 की जो पुलिस आती वो क्या कह रही है? वो कह रही कि आप थाने में आइए, पहले यहाँ बातचीत कर लीजिए, जो से कहेंगे सर वो करना, आप जाओ थाने में बैठे रहो, बेवकूफ बने बैठे रहो, यही करते रहो। हम आज भी कितने दिनों से आप लोग इस मामले को लेकर? 5 तारीख से नहीं, हम 100 बार नहीं थाने गए, मगर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ नहीं, बस कह रहे हैं कि काम अपना करो, उधर नहीं छूना, उधर नहीं छूना, अंधे को भी दिखता कि कौन किया है कब्जा। ये रजिस्ट्री आपको जो मिली है जमीन, ये किसकी जमीन है? ये मेरे पिताजी की जमीन है। पिताजी ने आपको क्या दान किया है? क्या है? हाँ, हमको दान में दिया है। अच्छा, इस मामले को लेकर अभी तक स्थानीय पुलिस की बात की जाए या सीतापुर DM की बात की, उन्होंने क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, हम लोग अपना काम करा रहे हैं, रोज आए दिन कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई सही काम ही नहीं हो पा रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? तो FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? FIR हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने रख लिया, बस कहते हैं कि लड़ाई नहीं करो, ये टैंक नहीं गिरना चाहिए, बाकी अपना काम करो। तो कहाँ से काम करें हम, कौन सा काम करें? थाना प्रभारी कमलापुर का क्या कहना इस मामले पर? वो कह रहे हैं कि टैंक नहीं गिरना चाहिए, बाकी अपना काम करो। क्या लगता है कुछ आगे बात हुई है क्या? वो पैसे वाले हमारे चाचा, हम थोड़ा कमजोर है तो हम पैसे नहीं दे सकते थाने। तो क्या पैसे लेकर कार्रवाई की जा रही, काम किया जा रहा क्या? हो सकता किया जाता, तभी तो नहीं मेरी सुनी जाती है। हमने DM को भी ऑनलाइन किया, पोर्टल पे किया, हमने मुख्यमंत्री जी को भी किया। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, मगर राजधानी के छठे हुए जनपद का हाल यह है, आगे क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? और हम जनता दरबार में डायरेक्ट भी देने गए थे एप्लीकेशन, तो वहाँ पर योगी जी मिले थे क्या? योगी जी नहीं मिले थे।
कौन मिला था वहाँ पे? एक लोग बैठे थे, उन्होंने हमसे पूछा आप एप्लीकेशन ले लिया बस जाओ। और फिर उस दिन फोन आया था कहने आपने 2 बार FIR की शिकायत क्यों की? तो हमने कहा अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो हम 10 बार करेंगे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और कल फिर थाने में बुलाया गया था, तो शायद DM के यहाँ से जो भी आया हो बस आए, SO साहब आए और कहने लगे ठीक है जाइए अपना काम करिए, और उसको आप नहीं गिरा सकते हो जो बना है टैंक, और नहीं तो मुकदमा लिख जाएगा। और उसके बाद कह रहे ठीक है मौका देख लेंगे, हम रहते हैं बक्सीकला में, वहाँ से हम आ रहे थे, सुरक्षा पहुँच गए थे। मगर बात की जाए जमीनों के मामले में पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं होता है, तो क्या पुलिस प्रशासन मामले पर क्या कर रही है? उन्होंने SDM साहब ने कहा कि आप थाने जाइए, थाने का मामला है, और कानून गो से जो रिपोर्ट मांगी गई थी सही में तो उन्होंने सही बनाई, लेकिन वो कानून गो साहब कह रहे हैं कि हमसे SDM साहब जब हम गए थे तो हमको ये बढ़वा दिए कि आप ऐसा नहीं ऐसा लिखो। मतलब लगता है उप जिलाधिकारी आपके SDM साहब जो है वो मिले हुए? हाँ वो भी मिले हुए, वो भी मेरे पक्ष में नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहे कि जितना मेरा हक है मुझे दिलाया जाए, मुझे किसी और करना चाहिए, मुझे ही मेरा चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो सब पता चला दूसरे की जमीन छिन जाएगी, कोई पाएगा ही नहीं, पैसे वाले पा जाएंगे बस, बेवकूफ है दौड़ रहे। हम भी प्राइवेट ड्यूटी करते, छोटी नौकरी करते, अपने बच्चे पाल रहे हैं, बताओ हमारे आज हम 5 से। अगर आपके ऊपर अभी जो आपका मकान जो आपकी जमीन है आपको नहीं मिली तो क्या करेंगी आप? तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उसी जमीन पे अपना आत्महत्या कर लेंगे भाई। हम इतने दिन से दौड़ रहे हैं, हमने जमीन ली है अपने पिताजी, हमारे हम गरीब हैं, हमारे नहीं कुछ है, हमने पिताजी हमारे को दिए हैं, नहीं तो कहते हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा, जान दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं, वही अपना जान दे देंगे।